गाइज, ये आज मैं लगाने जा रही हूँ पीपल का पेड़। तो आज है डे 4 और हम लगाने जा रहे हैं अपना पीपल का पेड़, जो कि हवा को बहुत अच्छे से शुद्ध करता है और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पीपल के और बरगद के पेड़ लगाने चाहिए, जो कि पुराने लोग लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे इन पेड़ों की बेनिफिट्स क्या हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, घने होते हैं, हवा को बहुत अच्छे से शुद्ध करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बड़े से बड़े पेड़ लगाऊं और हवा को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बनाऊं। तो गाइस देखिए, हम लगा रहे हैं यहाँ ये पेड़। देखिए, हमने यहाँ ये पीपल का पेड़ लगा दिया है अपना। गाइज, ये मेरा फेलोडेंड्रन का पौधा, जो कि मैंने मनी प्लांट के साथ ही लगा रखा है, और आज मैं चाह रही हूँ इसको अलग गमले में मैं लगा दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता जा रहा है इसमें और ये सही से ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं इसको चेंज करूँगी, इस गमले में से मैं दूसरे गमले में लगाने जा रही हूँ आज। गाइज, मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है, गमले में डाल रखी है। इसमें मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार कर रखा है, इसमें सैंड है और अंडे के छिलके भी हैं, केले के छिलके का पाउडर भी है इसमें, और वर्मी कंपोस्ट भी है, और इसमें मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला रखा है। इस तरह से मैंने ये गार्डन सॉइल तैयार कर रखी है, इसी में मैं ये अपना फिलोडेंड्रन का पौधा लगाने जा रही हूँ। तो बस पहले हम इसकी कुछ पत्तियों को कट कर ले रहे हैं और फिर इसकी डाल को हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये हमने इसको कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसमें एरियल रूट हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप किसी भी मौसम में लगाते हैं तो ये लग जाएगा, इजीली ग्रो हो जाएगा ये। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने आज अपना ये पौधा रिपोर्ट कर दिया है। अब हम इसको 15-20 दिन इसी तरह से शेड में कहीं रख देंगे, उसके बाद ही हम इसको धूप में लाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए।